सारी औरतें यही बोलती, ओ बाप रे बिना हाथ पकड़े पहाड़ी लड़की हो तुम सच्ची में। नहीं यार ओए कह रहा छह छह तो कहाँ रखे हो छह। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप ऑल ऑफ यू फिट एंड फाइन होंगे। तो गाइस सुबह के बज रहे हैं 9:30, वही डेली का रूटीन, झाड़ू पोछा नाश्ता पानी नहाना धोना जो भी है वही चल रहा था। ठीक है, अभी जाके जस्ट कंप्लीट हुए, अब मैंने दूसरा काम फैला दिया है। तो आजकल क्या है, बरसात के बाद जो अभी धूप आती है ना, तो इसमें रिचुअल है। रिचुअल क्या मतलब, ये हर इंडियन फैमिली में होता है भाई कि इस सीज़न में हमने कपड़े सुखाने हैं, बिस्तर सुखाना है, जो ठंडे के कपड़े हैं वो सुखाने हैं, रजाई कंबल सुखाने हैं। ये हर फैमिली में, हर इंडियन फैमिली में ये होता है। मतलब एक परंपरा सी चलती हुई आ रही है कि भाई अब ठंडियाँ आने वाली हैं तो बिस्तर सुखाओ, ये सुखाओ वो सुखाओ, ठीक है, और फिर ठंड जाती है तब भी सुखाओ, फिर उनको सुखा के रखो। तो अभी मैंने भी सोचा आज चलो थोड़ा बहुत मैं भी सुखा लेती हूँ, थोड़ा बहुत बिस्तर मैंने उधर का तो मैंने सुखा दिया है, इधर का भी बिस्तर नहीं सुखाया पर सुखाऊंगी। और जब ओढ़ने वाले हैं वो अभी नहीं वो सुखाए, क्योंकि अभी ऐसा मौसम हुआ नहीं है कि हमें वो ओढ़ने की ज़रूरत पड़े। फिर मैं सोच रही हूँ जब निकालूंगी ना ओढ़ने के लिए तो तभी सुखाऊंगी, फिर उनको निकालो फिर सुखा के फिर दोबारा रखो फिर निकालो, वो हाल हो जाती है। एंड आज मैंने सोचा ये जो मेरा मंदिर के नीचे वाला पोर्शन है ना, इसमें मेरे दो बैग, बड़े वाले ट्रॉली और छोटे वाले बैग्स हैं, इस टाइप वाले जो कपड़े के बैग होते हैं, तो इनमें सब मेरे कपड़े हैं, देख सकते हैं अभी मैंने निकाले हैं, ये सूट वगैरह कुर्तीज़ वगैरह जो भी है मेरी बहुत सारी हैं। तो ये मैं सब सोच रही हूँ आज सुखाती हूँ। पर्सनली बताऊँ मेरा बिल्कुल मन नहीं है वैसे सुखाने का, क्योंकि धूप लगती है बहुत तेज़, फिर रखो उठाओ तो करो फिर वो काम तो बढ़ता है, पर सीलन से ना बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है गंदी वाली, मतलब ऐसे सूंघो तो ऐसा लग रहा है जैसे इतनी सीलन बहुत ज़्यादा। इसलिए दिल पे पत्थर रखे मैं इनको सुखा लेती हूँ, फिलहाल तो अभी नहीं रखूँगी क्योंकि बाहर मैंने कपड़े डाल रखे हैं धुले हुए, तो जो जब वो सूख जाएंगे धुले हुए कपड़े, उसके बाद जब ज़मीन यहाँ पे थोड़ी सी गीली नहीं रहेगी तब जाके सुखाओगे। मुझे लगता है आधा एक घंटे बाद पानी सूख जाएगा, क्योंकि अभी मैंने कपड़े डाले हैं ना तो नीचे पूरा फर्श गीला गीला हो रखा है, तब डालूंगी इन कपड़ों को। तो गाइस दिन के 12 बज चुके हैं एंड मैंने कपड़े रखे बाहर धूप में जो कि सूख चुके हैं, देख सकते हैं आप बहुत सारे कपड़े डाल के, तो ऐसा लगता है इतने कपड़े हैं पर जब पहनो ना तब पहनने के लिए चाहिए होते तब ऐसा लगता है कि कपड़े ही नहीं है अपने पास। गाइस मेरे सूटों का कलेक्शन देखो, ये पूरी जो सूट कैसे ये पूरी सूट से भरी है, इसमें साली ये ऊपर मैंने एक स्वेटर रख के बाकी पूरी सूट से भरी हुई है, ये देख सकते हैं आप इतने सारे सूट इसमें हैं। और इसी के नीचे ये वाला बैट का जो पोर्शन है ना, इसके अंदर भी मेरे सूट हैं, और जिस टाइम मुझे सूट पहनने होते हैं उस टाइम मुझे लगता है मेरे पास सूट ही नहीं है, ऐसा तो हाल है मेरा। और ये हाल मेरा ही नहीं है, ये इंडिया में सारी महिलाओं के हैं, सारी औरतें यही बोलती हैं कि हमारे पास आज पहनने के लिए कपड़े नहीं है, होता बल्कि इतना सारा है। ठीक है, तो मैंने सूट पे सुखाए तो ये सूट मैं जल्दी उठा लाए क्योंकि फिर कलर फेड सा हो जाता है ना, और फिर अब फोल्ड वोल्ड करके रख दिए हैं इसको, भी मैंने फोल्ड करके यहाँ पे पूरा पैक करके अच्छे तरीके से रख दिया, अब इसको रखती हूँ मैं। और उसके बाद वो जो सूट कपड़े हैं बाहर जो पड़े हुए हैं उनको भी अंदर लेकर आती हूँ, उनको भी फोल्ड करूँगी। लेकर जा रही हूँ मेरे पार्सल, तो गाइस हम स्कूल से आए और मेरे इतने सारे पार्सल आ रखे थे, तन्नू को लाने का तरीका देखो ज़रा कैसे ले जा रही हो ऐसे, ओ बाप रे बिना हाथ पकड़े पहाड़ी लड़की हो तुम सच्ची में, है ना, सच में पहाड़ी लड़की हो। गाइस मेरे से पहले तन्वी को हो जाती है अनबॉक्सिंग करने की, तो आजकल गाइस सभी को पता है कि अमेजोन मिंत्रा मीशो फ्लिपकार्ट सब में सेल चल रही है, ठीक है, तो मैंने भी ऑर्डर किए हैं। तो ये मेरा एक पार्सल ये मिंत्रा का है, इसके अंदर एक पार्सल और है वो भी मिंत्रा से है, और ये वाला पार्सल मेरा फ्लिपकार्ट से है। अरे तन्वी कुछ नहीं है, मेकअप का प्रोडक्ट है यार। नहीं मैं तो देखूंगा। तन्नू को तो हो जाती है कि ये है फाउंडेशन, फिटमी का तो फिटमी का फाउंडेशन है गाइस। ओ माय गॉड ये इतना सा है भाई साहब, इतना महंगा होता है ये, और इतना थोड़ा सा दिखा दो तन्नू, एक्चुअल प्राइस इसका 329 है एंड ये मुझे लगता है 200 कुछ का पड़ा है, ठीक है। इसमें ऑयल है तन्नू, हेयर ऑयल है, फिर भी खोलना है, वाओ का हेयर ऑयल है बेटा, ऑनियन हेयर ऑयल। तो एंटी हेयर फॉल हेयर ऑयल है, बाल आए ना आए तेल जरूर मंगा लेती हूँ मैं। कपड़ा मत खार
के ना इसके अंदर खपड़े हैं, तनु फाड़ो ना इसे, ऐसे फट जाएगा, ये तो पेपर है। बस सालों बाद मैंने मंगाई है जीन्स, मतलब मैं काफी टाइम से मैंने जीन्स की शॉपिंग नहीं की थी, मैंने जीन्स खरीदी नहीं थी। अब इसका साइज, साइज का इशू है, साइज कैसा रहेगा, बाकी कलर तो ठीक ही लग रहा है, सकते हैं इस टाइप की है। ऐसा है इसका लुक, तो जीन्स तो अच्छी आई है। अब मुझे साइज देखना है इसका, साइज कैसा है, साइज सही होना चाहिए। अब मैं इसे ट्राई करूँगी तब पता चलेगा इसका कैसा है, सही नहीं सही है। तो ये हरी, तो ये काफ़ी लंबी है, मेरी हाइट इतनी ज़्यादा है और उसके बाद भी मुझे इतनी लंबी हो रही है, तो मैं थोड़ा हील में पहनूंगी ना, जैसे हील वगैरह में, जैसे जैसे हील में पहनूंगी ना, जो उनके लिए परफेक्ट है। बट मैं इतनी हील तो नहीं पहनती, बट मुझे पसंद आई है, पता नहीं क्यों ये जीन्स, इसलिए मैं रिटर्न नहीं करने वाली हूँ, रखने वाली हूँ। ठीक है, तो गाइस मैं अपने यहाँ पे सामान देख सकते हैं रख रही थी, तो थोड़ा बहुत मैंने रख दिया है। तन्वी कर रही है अपना लंच, ठीक है, और मेरा भी लंच रेडी हो चुका है। तो मैंने बनाया सैलड, सैलड क्या अपनी भाषा में बोलेंगे, देहाती भाषा में हम तो सलाद बनाया है हमने, सलाद जो कि है सोयाबीन की बड़ी वाला। ठीक है, तो ये मेरा सलाद रहा रेडी, अब मैं इसे खाती हूँ। एक बात बोलो, एक गाना गा दो पहले, एक गाना अपनी आवाज में, नहीं गा दो एक अपनी आवाज में गाना, नहीं दे, नहीं प्लीज यार, एक बोलने की कोशिश तो करो। तो गाइस मैं अभी दादी के घर पे बैठी हूँ, ठीक है, और दिन के पता हूँ 4 बज रहा है, पूरी दुनिया सो रही है, मैं उठी हूँ, दादी उठी है। सलाद है, आज हमने अपने पितर को विदा करा, आगे बोलो आगे बोलो, ओ माय गॉड, आगे बोलो, विदा कर रहे हैं पितर ना यार, ओ ही कह रहा पहले एक बार बोलो, नहीं निकालना मत, निकालना मत, निकालना मत, बोलो पहले, जहाँ फिट नहीं बैठना थी, फिट दादी को जब भी दांत लगाए देखती हूँ मेरे पेट में दर्द हो जाता है। ओह माय गॉड, दादी लगती तो आप 10 साल जवान हो, बाइक और दांत लगा के, सच कह रही हूँ मैं, 10 साल नहीं, मुझे तो लगता है 20 साल जवान लगती हो, बाय गॉड, किस पूछ लो, दोस्तों से पूछ लो, तो बता दो भाई दोस्तों कि लगती है नहीं लगती दादी 10 साल की 20 साल जवान लग रही हो। अरे दांत मेरे नकली हैं, तनु दादी को देखो कैसी लग रही है दादी, कैसी लग रही है बता, अच्छी लग रही है ना, देख वो भी अच्छी लग रही है, अच्छे बहुत लगते हो, पता नहीं आपको बोला नहीं जाता ना, बोला तन्नू दादी को बोलना, देखना दादी से बोलो, बोलो तन्वी बोल दो, तन्नू बोल दो, तन्वी तन्वी माया बोल लो, माया माया देखो अब वो सही हो रहा है ना, वैसे दांत लगा के सही होता है ना माया। ओ दादी कितनी क्यूट लग रहे हो आप बच्चों को दिखाने चले गए अब दादी अपना दांत, कि मेरे दांत कैसे लग रहे हैं, ए देखो दादी क्या लेकर आई है तुम्हारे लिए, जल्दी देखो देखो, अभी रुक रहे ना, लाइट खोलो दोनों, अरे यार उनको भी कैसी लग रही है दादी बताओ, कैसी लग रही है, मैं पहाड़ नाच रही, दादी की तो है, कैसी लग रही है, ऑडियंस ने पोल वोट दे दिया है कि दादी वैसी अच्छी लगती है, पर मुझे तो यार ऐसे जवान नहीं लग रही है, जवान नहीं लगती है, अच्छी नहीं लग रही है, देखो दादी के गाल भी आगे को आगे बाहर को, आप भी लगाओ ऐसी दांत,
छह तो कहाँ रखे हो छह? वो तुम बुढ़ियाओं ने, तुम ने सुनो, तुम बुढ़ियाओं ने दांत क्यों बनाए ठहरो रखने के लिए? गाइस रात के 6:30 बज चुके हैं, मतलब शाम के। अंतन भी कर रही है अपना क्लास वर्क जो कि क्लास में कराया था, बट आज वो कॉपी नहीं ले गई थी इसलिए वो रफ में उतार के लाई है। तो अभी कर रही है वो अपना काम। एंड अमित आ चुके हैं ऑफिस से, वो लगे हैं अपने फ़ोन में। एंड मैं कर रही थी रात के खाने की तैयारी, तो समझ में नहीं आया क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। पहले मेरा मन हो रहा कद्दू की सब्ज़ी बनानी है, अमित साफ इनकार कर दिया कि मैं वो सब्ज़ी खाऊंगा ही नहीं। फिर मैंने सोचा सांभर बना रही थी, और मैं शाम को भी मैंने कुछ नहीं खा रखा है, तो मैंने सोचा सांभर ज़्यादा तो सांभर बनाऊंगी, तो मैं सिर्फ सांभर सांभर खा लूँगी। एंड मेरे दिन के गाइस बर्तन हैं, क्योंकि मैं चली गई दादी के पास बैठने, और दिन के जो बर्तन थे वो मेरे धुले नहीं हैं। सांभर बनता है, मैं साथ ही साथ अपने दिन के बर्तन भी धोती हूँ। तो गाइस तम्मी का तोने लग गया है डिनर, तो आज बना है डिनर में सांभर, रोटी बनाऊँगी साथ में। अभी मैंने अमित के लिए नहीं बना रखा है, वो थोड़ी देर में खाएंगे। एंड मेरा आज मैंने शाम को खाया नहीं, तो अभी बनाना पड़ा मैंने भी अपने लिए। तो ये है खीरा, और उसमें मैंने थोड़ा सा दही डाल रखा है जिसमें पानी छोड़ के वो दही ऐसा पतला पतला सा हो गया। और है साथ में सांभर, ठीक है। तो मैं भी लेती हूँ अपने लिए एक कटोरे में सांभर, रोटी वोटी कुछ नहीं, ओनली सांभर और खीरे का रायता। तो गाइस रात के 10 बजने वाले हैं, एंड मैंने अभी काम निपटाया, और ये आज सुबह लाई थी मैं दही का डिब्बा, मतलब दिन में ख़त्म हो चुका है। तो मैंने इसमें से जामुन निकाल के दही जमा रखा है, आज मैंने दूध नहीं पिया। और इन लोगों का जो सुबह का दूध जो देती हूँ, मतलब चाय, और सुबह जो तन्वी का दूध देती हूँ, उससे भी मैंने आज सारा दही जमा दिया, क्योंकि दही हम लोग बहुत खाते हैं, तो मैंने कहा दही जमा देते। और इसमें ना अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, तो इसको मैं खा रही हूँ। ओले छुन के गए, अच्छा आ गया, आप तो सो गए थे। और तन्वी मेरी बहुत परेशान हो रखी है, उसके यहाँ पर और का छाला नमक चीज़ बिल्कुल नहीं खाई जा रही है, कुछ भी नहीं खा पा रही है इधर से, है ना वरना। तो सो जाओ, वहाँ क्यों उठा, टॉयलेट जा रहे हो? टॉयलेट क्या करने के लिए उठे फिर, ब्लॉग एंड करने के लिए? होले गुड्डा मेरा, कर दे। तो गाइस हमने खाना वाना खा लिया, अब सोने की तैयारी है। आप कमेंट बॉक्स में बताना, लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड नीचे वालों को क्लिक कर सब्सक्राइब सुबह। बाय। उसको ब्लॉग एंड करने का इतना होता है ना चस्का, वो सुन के यहाँ आ गई, अभी सोई थी है। मैं अभी जस्ट उसको रिश्ते झाड़ के उसको लिटा के आई हूँ। तो मैं गाइस तब तक ये दही ख़त्म करती हूँ, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।